वो जगह शादी की दावत है, प्लस आज ऑफिस पार्टी भी है। ये मेरी वाइफ का चौथा जूस है। हम आए हैं कैफे सफर, ऑफिस पार्टी है। हमने मंगाया था, हमारे टेबल पे ऑर्डर किया था, तो ये देखिए तंदूरी आ चुकी है। ये भी तो दिस इज प्रॉन्स क्रिस्पी। खाते सही की जो शादी थी वो थी अली बाबा बैंक्वेट में, जो कि में भी चिकन स्टार्टर आ चुके हैं, जलेबी काउंटर है, जिसको भी जलेबी खाना है वो दूसरी शादी में। ये देखिए, हेलो गाइस, ये देखिए बन चुका है हमारा तला हुआ पाव, मतलब मटका पाव रेडी, साथ में हाफ फ्राई अंडा। ये देखिए, तो आज हमें जो है दो जगह शादी की दावत है, प्लस आज ऑफिस पार्टी भी है। तो आज दिन भर में क्या क्या हुआ आपको बताता हूँ। आज मैं ऑफिस में हूँ, आज हमारे यहाँ पार्टी है। ये सुमित आराम से खड़ा है और ये केवल हेल्प कर रहा है उसको। ये होती है नॉलेज। देख पटेल, मिलेगा क्या ऐसा तेको। अरे वाह, कितना अच्छे से डेस्क साफ कर रहा है मेरा भाई। देख ये रहा केवल, केवल कोने में मारता नहीं है। ये है न्यू ईयर की साफ सफाई, न्यू ईयर की साफ सफाई। तो गाइस ये देखिए मैक लिखा है और राइट साइड में कुछ लिखा है। तो मलाड में जो 5D है वहाँ पे बहुत सारी शौरमे की दुकानें हैं, तो उसकी एक दुकान से हम लोग देखिए शौरमा ले रहे हैं शादाब भाई के लिए, और साथ में शादाब भाई चिकन सलाद होता है वो ले रहे हैं, जो कि पूरा चिकन भरकर देते हैं, और साथ में शौरमा, और साथ साथ में केवल के लिए ये देखिए रुमाली रोटी में मैक्सिकन शौरमा जो है यहाँ पे स्पेशल अच्छा बनता है, तो केवल के लिए केवल ने वो मंगवाया है। तो यहाँ पे मलाड 5D में काफ़ी खाने की दुकानें हैं, प्लीज़ अगर आप मुंबई उसके आसपास में रहते हैं तो मलाड 5D में आके ज़रूर आप ये खाने का ट्राई कीजिए। खाने के बाद देखिए पटेल को एसिडिटी हो गई थी, तो केवल उसको अजवाइन वगैरह सब ऑफिस में ही लाके उसने रखा है, तो केवल पटेल को अजवाइन जीरा ये सब दे रहा है खाने के लिए, और साथ में मैं भी ले रहा हूँ। तो केवल का ऐसा नुस्खा है कि ये खाने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। केवल बाबा का चूरन, अभी तेरा एसिडिटी खत्म। थैंक यू केवल, ए थैंक यू बोल उसको। थैंक यू केवल। हम कुछ लोग जमा हुए हैं ऑफिस का जो है फोटो लेने के लिए और न्यू ईयर का रील बनाने के लिए, छोटी सी हैप्पी न्यू ईयर बोलना है हमें, तो देखिए हम लोग एक साथ खड़े हैं। हम आए हैं कैफे सफर, ऑफिस पार्टी है, और काफ़ी अच्छा है ये। हम लोग इससे यहाँ पे रेगुलर जोमेटो वगैरह से खाना मंगाते थे, तो ये रहा उसका कुछ नज़ारा। तो गाइज ये देखिए, ये हम कैफे सफर में एंट्री ले चुके हैं, राइट साइड में इनका काउंटर है, और आगे जाएंगे तो जूस काउंटर भी है आगे, और आप देखिए ये जो लेफ्ट साइड में सिटिंग एरिया है, सामने की तरफ बैठने का एरिया है, और लेफ्ट साइड में जहाँ पे अभी हम लोग बैठेंगे वहाँ पे भी सिटिंग है। तो चलिए बता दूँ आगे क्या क्या है। तो गाइज ये रहा कैफे सफर का सेल्फी पॉइंट, और जहाँ पे यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है जो कि अभी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए हमारी पूरी टीम बैठ चुकी है, हमारा डिपार्टमेंट जो है पूरा बैठ चुका है, तो ये एक साथ बैठे हैं हम लोग। अरे इंस्टाग्राम पे है ना जो है वही है, ये जुनैद अभी वो भेजेगा तुझे सब्सक्राइब करने को लगा। तो गाइज ये देखिए पीछे भी इनका सिटिंग एरिया है जो कि काफ़ी बड़ा है, और दूसरा साइड भी इनका सिटिंग एरिया है, और पीछे साइड जो आप जहाँ पे आप लाइट देख रहे हैं वो एसी है पूरा। तो ये देखिए हमारा कांदा नींबू शेजवान चटनी और ग्रीन चटनी आ चुकी है। केवल ये ऐसा क्या किया तूने? अरे कांदा शादी में दूल्हा दूल्हा।
गाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया वीडियो में, मेरे कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं, ऑफिस के कलीग हैं सब, और हमारी पूरी टीम है, तो लगभग 30 लोगों की कुछ टीम है। तो ये जो मैं आपको फ़ोटोज़ बता रहा हूँ, ये सब हमने मंगाया था हमारे टेबल पे, ऑर्डर किया था, तो ये कुछ उसी की फ़ोटोज़ है। और आगे चलिए बताता हूँ कि क्या क्या हमने मंगाया है, किसके क्या नाम है, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। ये रही फ्रूट क्रीम, स्प्रिंग रोल, और जैसे कि लेमन प्रॉन्स, ये क्रिस्पी रही आपके सामने, लॉलीपॉप, मलाई चिकन, बटर नान, फिर मलाई चिकन, और जैसे कि चिकन बर्रा, तिरंगा चिकन, प्रॉन्स, चीज़ चिकन, तंदूरी, पुडिंग, मॉकटेल, और साथ में हमने मंगाया मटका रबड़ी। तो चलिए टेबल पे ये कैसे सर्व हुआ, कितने मज़े की, ये बताता हूँ। ये देखिए तंदूरी आ चुकी है, ये भी सर्व हो रही है सबको। क्या डालें, ये नहीं रहे पागल, मैं डालता है लेमन प्रॉन्स, तो दिस इज प्रॉन्स। अक्षय ने कौन सा बोला था प्रॉन्स, लेमन। सो दिस इज प्रॉन्स क्रिस्पी, दिस इज कुंग पाव चिकन। हमारी पूरी टीम खाने पे ही कॉन्सेंट्रेशन कर रही है, तो ये देखिए एंटायर टीम अभी फिलहाल ऑर्डर किया है, और अभी खाना कुछ लोगों का आने का इंतजार है, हमारा शुरू हो चुका है। केवल की फरमाइश थी कि उसको बकरे का भेजा खाना है, तो भेजा फ्राई और भेजा मसाला दो चीज़ मंगाया है। केवल का भेजा आ चुका है, ये दूसरा भेजा। हाँ, इधर लॉलीपॉप डालिए आप, लॉलीपॉप। ये केवल का भेजा, भेजा फ्राई, खाना खा तो सही। ये दूसरा भेजा फ्राई, भेजा मसाला, भेजा फ्राई दीजिए थोड़ा सा। ये है बटर नान, ये है बटर नान, ये है भेजा, एक नंबर लग रहा है। टीम प्लीज से हाय, क्योंकि सब खाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, से हाय। तो ये रहा चिकन बर्रा जो आप कढ़ाई में देख रहे हैं, साथ में चिकन मसाला। ए जुनैद, सजेशन मिल रहे और खा, सजेशन मिल रहे अभी एंडिंग करने वाला था। अक्षय, ये भाई रेड बुल कैसे, अपने को भी मंगवा दे रही है। एक रेड बुल किसी ने मंगाया, तो एक का देख के पांच लोगों ने भी रेड बुल मंगाया, तो जुनैद अभी उसी के बारे में बताएगा। अरे आपका बॉक्स नहीं रे, जुनैद इधर बता। केवल भाई ने मंगा, मैंने भी मंगा, अक्षय ने मंगा, वो भाई ने भी मंगा, हम लोग देखिए पहले मैंने मंगाया। बस रिकॉर्डेड हो गया स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड हो गया। न्यू ईयर का टाइम है, गर्दी काफी है होटल में, तो खाना काफी लेट आ रहा है। रेड बुल बराबर है, ये तो बराबर है, लेकिन रुकना पड़ रहा ना भाई। ठीक है, मंगाते हैं, हम तीन लगाने का, एक ही। अरे भाई थोड़ा मीडियम स्पाइसी करो, तड़का बोला क्या तुम्हारा भाई, भाई तड़का मार के लाना, भाई को थोड़ा स्पाइसी मंगा। नहीं मेरा पेट सूख रहा है, बोलेगा बहुत खाया पहले तो, ये एक तो अब दाल खिचड़ी के बाद ना अरबिक पुडिंग मंगा गया, अगर ना सीताफल क्रीम, सीताफल भी मंगाई। दो रोटी जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन नहीं जा सकता, बाबा की बैटिंग देख मजबूत चल रही है अभी लोग। ए जुनैद मेरे को तो दे यार, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बोलना बोल। ये लिंबू निचोड़ के पीओ या कैसा पीओ, ये हाथ धोने के लिए अभी है, हाथ धोने के लिए ले, तो मार तो सही, देख इधर गया, देख बाबा के शौक है, बाबा ले रहा हूँ। अरे प्यासी भाई ब्लू लेडी पी रहे, ब्लू लेडी
What is this? Yeah, but prawns, bro. Shubham, aisa mangana ke khane ka apnu. Are ye thak gaye bhai. Desert khane ka hai. Quantity da aisa bol raha hai. Diya hi nahi order abhi tak. Khatam kar raha hai. Hey bhai, blue chhatri. Oh my god. Are Rajendran. तो ये आ गई यार बड़ी चारों शुभम की है खाता ना करना अरे और मयूर साथ में खाली हेल्प कर रहा हूँ मयूर सिद्धांत अभी अक्षय अपना ऑर्डर हो गया अपना ऑर्डर हो गया ना डेजर्ट अल्लाह की करम से चाचा गरम है पेट भर गया अभी क्या डायरेक्ट नेक्स्ट डेजर्ट यासिर भाई क्या है वो ड्राई फ्रूट स्पेशल क्रीम क्या 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 ए रबड़ी कैंसिल करो यासिर भाई तीन तीन रबड़ी बोलो कौन सा खाओ रबड़ी है क्या रबड़ी बोला रबड़ी क्या है फिर ये क्या एक दो तीन चार आपका ही है तो आफ्टर डिनर और आफ्टर पार्टी सब मुझे ही घेर के रखे सबने मुझे बुलाया कि तुझे दुआ करनी पड़ेगी कंपनी की तरक्की के लिए सबकी तरक्की के लिए बगा बगा सागर बगा कितने सर भाई और अभी जो आपने वीडियो देखा वो ऑफिस की पार्टी का था और आज सेम डे हम लोगों को दो जगह की शादी की दावत है तो हानू उसी के लिए रेडी हो रही है और हानू जाएगी अपनी मम्मी के साथ ये हानू रेडी हो चुकी है उसका थोड़ा बहुत डेकोर करना बाकी है तो उसकी मम्मी अभी करेगी फिर शादी के लिए निकलेंगे तो हानू की मम्मी और हानू रेडी है शादी में जाने के लिए तो पहली जो शादी थी वो थी अली बाबा बैंक्वेट में जो कि जोगेश्वरी मुंबई में है तो चलिए उसके अंदर चलते हैं उसके अंदर का ओवरव्यू देता हूँ कि अंदर कैसा है वो हॉल तो हानू आ चुकी है दादा के साथ शादी अटेंड करने के लिए और ये रहा अली बाबा बैंक्वेट का सेल्फी पॉइंट यहाँ पे लोग फोटो वोटो खिंचाते हैं सेल्फी लेते हैं तो शादी के हॉल में आ चुके हैं तो चलिए अंदर की तरफ जा रहे हैं अभी तो ज़्यादा लोग कोई तो भी आया नहीं है ज़्यादा लोग लगता है जो जिसके घर में शादी है वही आए हैं मुस्लिम्स की शादी में ऐसी होता है कि लोग ईशा की नमाज़ के बाद आते हैं इन शॉर्ट 8:30 का टाइम है तो वो लोग आते हैं आराम ईशा वगैरह पढ़ के 8:30-9 बजे और ये रही हानू अब्बा के साथ और ज़्यादा लोग आए नहीं इन शॉर्ट ईशा पढ़ के ही आएंगे ईशा की नमाज़ पढ़ के मतलब रात की नमाज़ पढ़ के और ये हानू एक जगह कभी बैठी नहीं है बार बार उसको नीचे ही घूमना होता है वो भी अकेले तो दोस्तों आजकल के ट्रेंड में जहाँ पे भी मुस्लिम्स की शादी होती है वहाँ पे वेलकम जूस तो होता ही है तो चलिए वो ट्राई किया जाए वेलकम जूस तो ये देखिए खाने का टेबल लग चुका है ये सलाद प्लेट आपके सामने लग चुकी है और अभी स्टार्टर सर्व हो रहे हैं सबको तो ये हमारी प्लेट में भी चिकन स्टार्टर आ चुके हैं और चलिए बताता हूँ कि और क्या क्या है खाने में फ़िलहाल तो ये स्टार्टर खाते हैं तो ये देखिए एक चिकन ग्रेवी और रोटी मतलब तंदूरी रोटी और दूसरा कीमा आनू को कहीं पे भी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बोलो वो वहीं पे ताली बजाने लगती है ये देखिए हैप्पी बर्थडे आनू आनू
ये जूस वाले जब तक ये शादी खत्म नहीं होती जब तक ये बेचारे ये घूमते ही रहते हैं, ये देखिए। तो गाइज अभी ये शादी में तो हमने अटेंड कर लिया, अभी दूसरी शादी में जाने की तैयारी है। तो हानु देखिए दादा के साथ ही है, हानु को अब्बा गोद में उठा के लेके जा रहे थे, बट हानु सीढ़ियाँ देख के हानु को चढ़ने का दिल बोलता है, हमेशा ऐसी है उसका। तो अब्बा ने उसको गोद में उतार दिया, तो अभी शायद सीढ़ी चलाएंगे। सामने से जाना, सामने से। तो मेरी वाइफ और हानु दूसरी शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो एक विद्या विकास स्कूल है अंधेरी वेस्ट मुंबई में, तो दूसरी शादी हमें वही अटेंड करने जा रहे हैं। तो ये देखिए लाइव काउंटर है, मतलब जलेबी काउंटर है, जिसको भी जलेबी खाना है वो ये आपके सामने ही बना रहा है गरम गरम जलेबी। ये देखिए प्रिपरेशन भी चालू है यहीं पे, तो लोग लेके खा सकते हैं, और ये जलेबी यहाँ बन के रेडी है, लेके आप डायरेक्टली खा सकते हैं, लाइव काउंटर है ये। वो शादी में थोड़ी कम भीड़ थी, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ है। तो ये देखिए कैसी थी, बहुत खाली है। खाली है, मेरे को लगा पेट खाली है। अभी हानू इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मानू, आगे का व्लॉग आप शूट कर देना। अरे भाई 80% चार्जिंग है समझ। ये पेरू का जूस मैंने मेरे लिए लिया था, बट मेरी वाइफ ने मेरे से ले लिया और वो अभी कुछ पी रही है, ये देखिए। और दूसरी शादी में ये देखिए, इधर भी चिकन के यहाँ पे स्टार्टर है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मुस्लिम की शादी में ये होता है चिकन के कुछ स्टार्टर। ये देखिए ग्रेवी और रोटी, दो ग्रेवी सॉरी तीन ग्रेवी है यहाँ पे, और रोटी, मतलब ये ट्रेंड ही चल रहा है मुस्लिम्स में। और ये देखिए ये कुछ चीज़ का स्टार्टर है, चीज़ी जो कि बहुत ज़बरदस्त है। मैंने तो बहुत खा लिया हूँ। हाँ मैं नहीं खा सकता और। अभी मैं और जूस पीऊंगी, ये दिसंबर की अपनी लास्ट शादी है ना। 1 2 3 हानू तो ये हानु देखिए मम्मी के साथ खेल रही है। अभी ये देखिए वो टेबल्स लगे हैं, ये देखिए ये टेबल है, लोग खा रहे हैं। लेकिन चलो हानु चलेंगे अपन, नहीं ठीक है ओके चलो। ये मेरी वाइफ का चौथा जूस है, शादी में जूस पीने का मज़ा ही अलग होता है। लेकिन मेरी वाइफ को मैंने मना किया था ज़्यादा जूस पीना नहीं, बिकॉज सर्दी हो जाएगी, लेकिन क्या है कि अभी शादी में आते हैं, जूस भी सामने वाले लेके जाते रहते हैं, तो कंट्रोल होता नहीं, आदमी पी लेता है। तो आज की आखिरी शादी थी ये दिसंबर की, अभी इसके बाद कोई दावत नहीं है, दावत ही नहीं है। हानू से बाय। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, नीचे कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।